स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं कि एनटीपीसी एग्जामिनेशन जो है आपका, वो पता ही है आप लोगों को कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ठीक है, एग्जामिनेशन ये होता है। ये जो एग्ज़ाम है वो आपका कंबाइंड रिक्रूटमेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट लेवल नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए होता है, ठीक है। ये कंबाइंड एग्जामिनेशन है जिसमें अंडर 10+2 लेवल का भी पद रहता है और ग्रेजुएट लेवल का भी पोस्ट रहता है। इसमें कुल जो पद है आपका जो 10+2 लेवल का ये सब है और ग्रेजुएट लेवल का आपको ये सब पद है, आप देख सकते हैं। जो हाल में आपका 2019 में जो एनटीपीसी का वैकेंसीज आया है और जिसका एग्जामिनेशन 2020 में दिसंबर से शेड्यूल्ड है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चयन प्रक्रिया का बात करें तो कुल जो है टोटल 5 स्टेजेस है, ठीक है। पहले स्टेज में आपका जो है CBT 1 होगा। CBT का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन। CBT 2 में भी आपका जो है, फिर स्टेज 2 में जो है CBT 2 होगा आपका। फिर थर्ड स्टेज जो है ये कुछ पद के लिए है, सब में ये कंपलसरी नहीं है, जहाँ जहाँ पर ये लागू होता है उसमें आपको ये देना पड़ेगा। बाकी स्टेज 4 और 5 जो है ये कंपलसरी है, यानी कि 1st, 2nd, 4th और 5 तो सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है। वहीं पर तीसरा जो है आपका, वो जिस पद में ये लागू होता है वहाँ पर आपको ये देना है। आगे हम चर्चा करेंगे कहाँ कहाँ पर जो है स्टेज 3 अप्लीकेबल है। तो सबसे पहले स्टेज 1 और 2 का बात करें, जो कि सभी पद के लिए आपको इसमें बैठना ही बैठना है, ठीक है। तो पहला CBT 1 जो होगा आपका, वो कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट है एक तरह से, ठीक। इसमें आपको कुल पोस्ट का जो है, कुल रिक्ति का 20 गुना लोग जो है क्वालिफाई करेंगे CBT 1 में, ठीक है। उसके बाद ये जो 20 गुना लोग होंगे वो फिर CBT 2 में बैठेंगे, ठीक। और ये जो एग्ज़ाम होगा आपका, पहला वाला तो कॉमन होगा आपका CBT 1 सब के लिए, ठीक। वहीं पर CBT 2 जो होगा वो पे लेवल वाइज टेस्ट होगा ये, यानी कि पीछे आप देखें कि यहाँ पर जो जितने भी पद हैं NTPC में, उन सबका जो है अलग अलग अपना पे लेवल है। जैसे लेवल 2, 2, 2 ऐसे करके 3, ठीक है। तो 3 तक जो है आपको अंडर ग्रेजुएट में 10+2 लेवल में हो गया, फिर 4, 5, 6, ठीक है, इस तरह से है। तो जैसे 2 का जितना भी पद है उसके लिए एक लेवल का पेपर होगा, सेट किया जाएगा, ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से। फिर जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, पे लेवल 3 के लिए जितना भी पद है उसका एक अलग पेपर होगा, ठीक है। फिर लेवल 4 के लिए ऐसे जो है पे लेवल वाइज आपका जो CBT 2 होगा वो उस हिसाब से लिया जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करें तो यहाँ पर जो है CBT 2 में आपको जो है, यानी कि मेंस में, कुल रिक्ति का 8 गुना लोग जो है क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो पहला 1 और 2 तो सबके लिए कंपलसरी है, 1 में 20 गुना लोग आएंगे, ठीक है, क्वालिफाई करेंगे, वो सेकंड में जाएंगे। फिर जो है सेकंड में पे लेवल वाइज जो है टेस्ट होगा, अलग अलग पेपर आपका बनेगा, ठीक है, और 8 गुना लोग जो है कुल रिक्ति का इसमें क्वालिफाई करेंगे। अब ये जो 8 गुना लोग हैं उनका जो है आगे फिर जो भी यदि स्किल टेस्ट होना है उनका, तो वो लोग जो है स्किल टेस्ट में अपीयर होंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं कि टेस्ट जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है, CBAT होता है एक, ठीक। वो आपको स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए एप्लीकेबल है। इस दोनों पद के लिए आपको एप्टीट्यूड जो है देना होगा। वहीं पर टाइपिंग टेस्ट का बात करें, टाइपिंग स्किल टेस्ट का, तो ये आपको नीचे आप देख लीजिए, इन सारे पदों के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है, इन सब के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। वैसा पद जिसमें कि टाइपिंग टेस्ट भी नहीं है और एप्टीट्यूड टेस्ट भी नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं होना है उसमें, यानी कि तीसरा जो आपका स्टेज है वो नहीं होना है, तो वो है आपका ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और कमर्शियल अप्रेंटिस। इन सारे पदों के लिए जो है ये तीसरा स्टेज आपका स्किप हो जाएगा, और चौथा और पाँचवा तो आपको सबके लिए कंपलसरी है, वो देना ही होगा। अब 1 और 2 का पैटर्न का बात करें, स्टेज 1 और 2 का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड, तो ये जो एग्ज़ाम है आपका, जिसमें पहले में जो है एग्जामिनेशन ड्यूरेशन जो है आपका, वो टाइमिंग वो 90 मिनट का होगा, ठीक है। 3 पार्ट में ये है, इसमें जो है आपका पेपर, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और इधर हो गया आपका रीजनिंग। तो 40, 30 और 30 करके आपका जो है, 40, 30, 70 और 30 जो है 100, टोटल क्वेश्चंस आपका 100 हो जाएगा। ये CBT 1 का है, पहला जो एग्जामिनेशन आपका होगा।
वहीं पर सेकेंड वाला में आपका जो है टाइमिंग वही रहेगा, ठीक है, 90 मिनट ही, और प्रश्न जो है आपका इसमें वो 20 प्रश्न जो है बढ़ जाएगा, ये 40 था ये अब 50 हो जाएगा, जो 30 था वो 35 हो जाएगा, जो 30 था फिर ये 35 हो जाएगा। तो आपको जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बढ़ जाएगा, उतने ही टाइम में आपको 120 प्रश्न दिया जाएगा आपको, ठीक है। अब दोनों ही CVT 1 में और 2 में, ठीक है, 1/3 जो है आपका निगेटिव मार्किंग होगा, निगेटिव मार्किंग जो है जनरली जो है आप 1/4 देखते होंगे, 1/5 देखते होंगे, वहाँ पर यहाँ पर 1/3 है, इस चीज़ को जो है आपको ध्यान में रखना है। अब आगे सिलेबस जो है आपका वो देखिए, कॉमन सिलेबस है CBT जो है स्टेज 1 और 2 के लिए, दोनों CBT 1 और 2 जो होगा आपका उसके लिए कॉमन सिलेबस रखा गया, जिसमें आपको जैसे पीछे आप देखें कि सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ रहा है आपका CBT 2 में, तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल नॉलेज GK, ये तीनों चीज़ आपको दोनों में ही है और दोनों का सिलेबस भी सेम है, ठीक है। कॉमन सिलेबस है, मैथ्स और रीजनिंग का जो है कुछ इस तरह से है, आप देख लीजिए सिलेबस आपका, ये मैथ्स का हो गया, ये रीजनिंग के लिए हो गया, और वहीं पे आगे बात करें तो आपका जो है सामान्य जागरूकता कह लीजिए, GK GS कह लीजिए, जो भी है उसके लिए ये सिलेबस हो गया। तो यही था कुल मिलाकर के आपको NTPC के लिए जो है सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न, काफ़ी जो है आप लोगों को आने वाले एग्जामिनेशंस में काफ़ी हेल्पफुल ये होने वाला है, ठीक है। चैनल पे यदि नए हैं तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।